हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज का मेरा ब्लॉग है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं आई हूँ दशमी के दिन। यहाँ पे दुर्गा जी का विसर्जन होने वाला है तो हम लोग आए हैं श्रृंगार करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग मेरा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं ये ब्लॉग डाली थी लेकिन कॉपीराइट आ गया, पता नहीं किस वजह से आया है, मुझे मालूम नहीं है। फिर मैंने दोबारा से मेहनत करके फिर से ब्लॉग बना के डाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और कौन सा पंडाल आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे भी काफ़ी जगह में अच्छा अच्छा पूजा होता है, बट हम लोग सारे पूजा तो नहीं घूम पाए। आसपास में जो पूजा हो रहा था वहीं पे हम लोग घूमे हैं, तो देख सकते हैं। क्योंकि बच्चा लोग के लेके भीड़ भाड़ में नहीं हो पाता है, इसलिए जो आसपास पे पूजा हो रहा था वहीं पे हम लोग घूमे हैं। तो गाइस, आप लोग से एक और बात करना है कि जैसे मैं पूजा घूमने के लिए गई थी तो वहाँ पे गायक आए थे जो डांस गाना का प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो उसमें से उनका गाना का भी साउंड आ गया था, तो उसके वजह से कॉपीराइट आया है ना किस वजह से, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। अगर आप लोग का मालूम है तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस वजह से कॉपीराइट आता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग वीडियो ज़रूर देखिए। और ये जो पंडाल आप लोग देख रहे हैं ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो पंडाल है ना, ये शीशा का ग्लास से बना हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ज़मीन के अंदर में भी पूरा ग्लास लगाया गया था और छोटा छोटा मछली छोड़ा गया था इसके अंदर में, तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। मैं लास्ट में मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाऊंगी जो नीचे में ग्लास लगा था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा मछली छोड़ा गया था पानी के अंदर में।